आपके पेशेंट को होश आ गया है। आप दोनों में से कोई एक उनसे मिल सकता है। अम्मी आप जाओ, नर्स इन्हें ले जाओ। शुक्र। जरा मुझे एक बात तो बताओ, तुमने ताई अम्मी से ऐसा क्या कहा है? क्या मतलब है? मुझे सच सच बताओ, तुमने ताई अम्मी से ऐसा क्या कहा है कि उनके दिल पर इतना बड़ा सदमा लगा कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया है? अनुषे, ये मैंने ऐसा कुछ कहा और ना ही मैं कुछ कहने का सोच सकती हूँ यास्मीन आंटी को। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, कोई तो ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? अनुषे आहिस्ता बात करो, हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है तो मैं क्या करूँ? ताई अम्मी हमारे घर से तो बिल्कुल ठीक गई थी, वापसी पे ऐसा क्या हो गया कि उन्हें रास्ते में हार्ट अटैक हो गया? अनुषे मुझे गैब का इल्म नहीं है। जैसे तुम्हें यास्मीन आंटी के हार्ट अटैक का शौक लगा, उसी तरह मुझे भी और अम्मी को भी हार्ट अटैक का शौक लगा उनके। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं कि हमने उनसे कुछ कहा था। अस्वत तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या हश्र करता, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। मुझे पता है ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बार सिर्फ पता चलने तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, देखना तुम। एक बार पता तो चलने दो। आयशा। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम अम्मी को लेकर आई थी? जैसे ही यास्मीन आंटी के हार्ट अटैक का पता चला तो अम्मी से एक सेकंड ही रह गया, सोनी को देखने आई थी। लैला बहन कहाँ है? वो यास्मीन आंटी के पास कमरे में गई, अल्हम्दुलिल्लाह होश आ गया अभी अभी। अनुजी जी, यास्मीन को होश आ गया, चल मैं तुम्हें घर छोड़। जी